नजर बिहारी। जय श्री राम। टीवी 45 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। आज हम आपको लिए चलेंगे बागमारा विधानसभा क्षेत्र के चिटाई धाम स्थित श्री राम राज मंदिर प्रांगण में। जब आप इस राम राज मंदिर प्रांगण में पहुंचेंगे तो आपको भव्य राम जी का मूर्ति दिखेगा। भगवान राम, मां सीता इस मंदिर प्रांगण में विराजमान है। वहीं दूसरी ओर भगवान कृष्ण और राधे विराजमान हैं। तो वहीं मंदिर प्रांगण में ही भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती भी विराजमान हैं। और ठीक उसके सामने महाबली, बजरंगबली विराजमान हैं। तो जब आप इस मंदिर प्रांगण में पहुंचेंगे तो आपको सभी भगवान का दर्शन एक साथ हो जाएगा, क्योंकि नए साल के अवसर पर हर कोई भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। हर कोई भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, और भगवान भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। उनकी जो मनोकामना होती है उसे भगवान राम अवश्य पूरा करते हैं। इस मंदिर प्रांगण की बात करें, इस मंदिर की बात करें तो 2 करोड़ के लागत से ये भव्य रामराज मंदिर जो है तैयार किया गया है। और इसके जो ट्रस्टी हैं, जो इसके संस्थापक हैं, वो हैं बागमारा के विधायक ढुल्लू मातो। इस मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर प्रांगण में 100 साल पुरानी भगवान राम जी के परिवार की पूरी मूर्ति यहां विराजमान है। यहां तक पहुंचने के लिए आप अपने निजी वाहन, प्राइवेट वाहन, बसों से भी आ सकते हैं। यहां हमारे साथ कुछ श्रद्धालु है, हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए और आप कहां के रहने वाले हैं। परिचय, मेरा नाम रघु है, मैं हरियाणा से हूँ, गुड़गांव से। CISF में मैं सब इंस्पेक्टर पोस्टिंग हूँ यहाँ पे। तो मंदिर आए थे घूमने, बहुत ही बहुत अच्छा मंदिर है, पर्यटन बहुत ज़्यादा है, बढ़ावा मिल रहा है। बाहर देखा लोग बाग सामान भी बेच के अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं, तो ये एक रोजगार भी पैदा कर रहा है। श्रद्धा के साथ साथ यहाँ पे सबको रोजगार भी मिल रहा है। तो सर, जब आप यहाँ आए तो क्या सोच कर आए थे, क्योंकि आप हरियाणा के रहने वाले हैं, आप हरियाणा से यहाँ ड्यूटी करने के लिए आए, अपने परिवार को लेकर आ जाए हैं, तो आपको क्या जानकारी मिली थी इस मंदिर के बारे में? जानकारी मेरे को बताया गया था कि काफ़ी अच्छा मंदिर है श्री श्री रामराज जी के नाम से, जो यहाँ के विधायक जी ने बनवाया है। तो देखा कभी नहीं था, तो मन में एक लालसा थी, एक इच्छा थी कि हम भी दर्शन करें, देखें कि यहाँ धनबाद, झारखंड में, कतरास में ऐसा क्या है जो इतना फेमस है। लेकिन दर्शन किया तो वाकई देखने लायक जगह है, सही में वर्थ है, ऐसे ही तारीफ नहीं करते। बिल्कुल शांति और सुकून है, और ये पूरा श्रद्धालुओं का भाव देख के ना मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत। जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 22nd के लिए भी, और यहाँ पे आए हैं दर्शन लेके नया साल की शुरुआत करेंगे। तो सर, आप US में क्या करते हैं? US में मेरे पिताजी का बिजनेस है, उसमें थोड़ी बहुत मदद करता हूँ। अभी अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करी है, कैलिफोर्निया में रहता हूँ, लॉस एंजलिस। तो सब ये बताया गया है कि आज हम लोग राम राज मंदिर जाएंगे घूमने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, तो आप तब आपके मन में क्या था और क्या सोच कर आप यहाँ? एक बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा थी, एक आने का मन था, और यहाँ के जो शांति मिली है बहुत अच्छा लगा है। धन्यवाद। मैं अपने भाई के पास आया हूँ, ACIS अपने काम करता है, तो ये मेरे को राम मंदिर लेके आए हैं। सबसे पहले शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है नए साल पे, बहुत अच्छा लगा, और 22 तारीख के लिए बहुत एक्साइटेड। देखिए, अगर नए साल में भगवान राम का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। हमारे घर में कल्चर में वही है, लोग कोई पार्टी करता है, कोई कुछ करता है, हम पूजा करके शुरुआत करना चाहेंगे नए साल की। जैसे सुबह उठ के अपने पेरेंट्स के पैर छूते हैं, कुछ करते हैं, तो नया साल ऐसे ही शुरू करना चाहेंगे। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा है। तो नए साल के अवसर पर, क्योंकि आप विदेश में रहते हैं, तो धनबाद वासियों के लिए क्या संदेश है आपका? यही है कि बहुत सारा प्यार है वहाँ पे भी, मगर चलिए ऐसे ही कुछ और श्रद्धालुओं से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है राम राज मंदिर को लेकर। ये बताएं कि नए साल के अवसर पर
भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए आप लोग पहुंचे हैं रामराज मंदिर में। क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में? बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मैं तो मतलब फर्स्ट टाइम आई हूँ और मतलब एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा। और ये कितना सुंदर है और इतनी भीड़ है आजकल, मतलब बहुत अच्छा। आई थिंक न्यू ईयर बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज ये इतना अच्छी जगह हम लोग आए तो ऑब्वियसली पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है और काफी अच्छा लग रहा है। काफी सुकून है। हाँ, बहुत अच्छा, लाइक ठंडा सुकून, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का भी उद्घाटन होना है अयोध्या में, और ऐसे में आप लोग भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। अच्छा लग रहा है, इतना मतलब वहाँ पे आप अगर खड़े होंगे आपको इतना अच्छा फील होगा। बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव है सब कुछ। जो पूरा साल अगर खराब भी गया तो यहाँ पे आके बहुत बेटर हो जाएगा। चलिए ऐसे ही कुछ और हम भक्तों से बात करते हैं। देखिए एक छोटी सी बच्ची है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। बेटा आप ये बताओ आपका नाम क्या है? हंसिका भंडारी। मम्मी पापा के साथ आए हैं? हाँ। आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं भगवान राम का? हाँ। धनबाद से, और राम मंदिर पहली बार आया है। धनबाद में रहते हुए भी इतने साल बाद आए पहली बार। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मन से इच्छा था बहुत दिन से यहाँ आने का, आके बहुत अच्छा लगा। नए साल का आगमन भी हो रहा है, ऐसे में भगवान राम का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर बहुत, वही तो चाहते हम लोग की राम का आशीर्वाद मिले। और जय श्री राम। तो चलिए ऐसे ही कुछ और हम भक्तों से बात करेंगे जो भगवान राम का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं इस मंदिर प्रांगण में। जब आप आएंगे ना तो आपको एक अजीब सा सुकून मिलेगा, आपको यह एहसास होगा कि आप राम राज्य मंदिर परिसर में हैं। क्योंकि इस जगह भगवान राम सीता लक्ष्मण विराजमान हैं, भगवान राधे कृष्ण यहां विराजमान हैं, भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के साथ विराजमान हैं, महाबली बजरंग बली इस मंदिर प्रांगण में विराजमान है। तो जो भी भक्त आते हैं वो सभी भगवानों का दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और यही कारण है कि आप नए साल के अवसर पर आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में श्रद्धालु भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं से बात करते हैं जो अभी अभी पूजा करके बाहर निकले हैं। तो हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। ये बताएं आपका नाम पहले बताएं। मेरा नाम कविता कुमारी है। कहाँ से आए हैं? हम चंद्रपुरा से आए हुए हैं। इस राम राज्य मंदिर को लेकर क्या कहेंगे? ये राम राज मंदिर बहुत ही फेमस बन चुका है, यहाँ बहुत दूर दूर के लोग यहाँ देखने आते हैं, माता रानी का दर्शन करने आते हैं और यहाँ का मजा भी लेते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, मैंने पूजा कर ली। साल का आगमन होना है तो क्या कुछ मांगा भगवान राम से आपने? हाँ, मैंने मांगा भगवान से कि मेरा न्यू ईयर पूरा सक्सेस हो और मेरे पूरा परिवार खुश रहे हमेशा। चलिए आप भी पूजा करके बाहर निकले हैं जी। तो आपने भगवान से क्या कुछ मांगा नए साल? बस सब खुश रहे, सब सही सलामत रहे, बस यही दुआ है भगवान से। सर ये बताएं इस चटाई धाम के राम राज्य मंदिर को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ये बागमारा प्रखंड में स्थित है, बागमारा विधानसभा क्षेत्र में स्थित है, तो कैसे आपको जानकारी हुई और क्या पहली बार इस मंदिर प्रांगण में आए हैं? जैसा कि हम देख सकते हैं सर, यहाँ कितने ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। तो और यहाँ का सबसे अच्छी बात है कि ये भव्य मंदिर बन चुका है और बागेश्वर बाबा भी यहाँ आने वाले हैं, आने वाले हैं ठीक है। तो ये हम सुन रहे हैं, जब बागेश्वर बाबा यहाँ आने वाले, आप समझ सकते हैं ये कितना फेमस समारोह हो चुका है। सॉरी, और सबसे मज़ेदार वाला बात रहा कि हमारा जो यहाँ सारा फैसिलिटीज़ है, लाइक बोटिंग भी करो बच्चों के लिए वो भी है, और फोटोज़ वगैरह ही श्रद्धालु आते हैं तो उस वो भी, और जो भी विनती हम लोग करते हैं वो सारा फुलफिल होता है हमारा, क्योंकि यहाँ जो है सारे भगवान वास किए हुए हैं। यादव महादेव जी को ले लो, हनुमान जी को ले लो, राधे कृष्ण को ले लो, मतलब सारे भगवान यहाँ मिल जाएंगे आपको। यहाँ आओ, आपको सक्सेस हो जाएगा। ऐसा नहीं लगता है कि रामराज मंदिर नहीं बल्कि हम लोग अयोध्या में हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल यही लगता है, एग्जैक्टली यही लगता है। इतना बड़ा परिसर इसका है, इतना बड़ा परिसर में ये बन चुका है, तो वही फील आता है कि हम लोग अयोध्या में हैं, राम मंदिर में हैं, रामराज मंदिर नाम भी है इसका।
वैसे फील होता है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है राम के भक्तों का, आपने सुना कि क्या कुछ कहना है धनवाद वासियों का। सर आप अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं रामराज मंदिर में, क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर ये कुछ कहना तो भी कम होगा, जो यहाँ पर धनबाद के क्षेत्र में जो चीज है ये कुछ नया ही है हम लोगों के लिए। इस कोलफील्ड क्षेत्र में इतनी बड़ी भक्तों की भीड़ लगी है, और मैं यहाँ के विधायक जी से भी आग्रह करूँगा कि यहाँ अप्रोचिंग रोड जो है वो बहुत जरूरी, जिससे भक्तों को आने में सुविधा हो, वो आसानी से आ सकते हैं, जिससे लोग आसानी से यहाँ आ सकेंगे और पूजा करेंगे, जिससे कि सभी को मन लगेगा। और मंदिर तो बहुत ही सुंदर है, और आगे और भी इसकी देख रेख होने से और भी इसका अच्छा होगा। कुछ और भक्तों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है राम राज मंदिर को लेकर। ये बताएं कि आप कहां से आए और आपका नाम क्या है? हम टाटा से आए हैं और मेरा नाम सृष्टि कुमारी है। सृष्टि आप मंदिर प्रांगण में खड़ी हैं, क्या कुछ कहेंगे इस राम राज मंदिर को लेकर? ये बहुत अच्छा है मंदिर, है बहुत फेमस है। हम लोग टाटा से ट्रेवल करके आए हैं, हम लोग का न्यू ईयर अच्छा जाए, प्रार्थना करने के लिए आए हैं अच्छा से, और बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर प्रांगण कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, शांत जगह है, एकदम अच्छा से दर्शन। ये किसने कहा आपसे कि आज हम लोग बागमारा स्थित चटाई धाम जो है वहाँ राम राज मंदिर है, वहाँ हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे? किसने कहा आपको, और जब आपको बताया गया तब आपके मन में क्या था? बहुत एक्साइटेड हुआ था कि हाँ हम लोग आएंगे, आएंगे मंदिर, आएंगे अच्छा से दर्शन होगा, सब अच्छा से दर्शन होगा और हम लोग बहुत अच्छे से खुश होंगे, सब दर्शन अच्छा से हो जाएगा। आपने दर्शन कर लिया? हाँ। अच्छा क्या मांगा भगवान राम से आप? मैंने मांगा कि सब सुख हो, मेरा परिवार में सब सुख हो, सब अच्छा हो, न्यू ईयर ये नया साल अच्छा बीते। चलिए ऐसे ही कुछ और हम भक्तों से बात कर लेते हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुभांशु कुमार है, मैं जमशेदपुर से हूँ। सर इस राम राज मंदिर को लेकर क्या कहेंगे? पहली बात तो यहाँ पर आ करके मुझे बहुत खुशी मिली, यहाँ नया साल में आ करके राम राज से यहाँ मिलना, सामने रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने ये भी मनोकामना मांगा कि मेरे घर में जितना अच्छा हो सके हो और नया साल बहुत अच्छा से अच्छा बीते। पूरे परिवार के साथ आए हैं? हाँ परिवार के साथ आए हैं, मेरे माँ बाप आए हैं, मेरा भाई आया है, मेरा फुआ फूफा, सारा परिवार यहाँ आया है, और नया साल की खुशी के लिए हम लोग ने मनोकामना मांगा है कि हम लोग का नया साल अच्छा से अच्छा बीते। तो चलिए ऐसे ही कुछ और हम भक्तों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है राम राज मंदिर को लेकर। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, मतलब सब चीज़ बहुत अच्छे से, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है यहाँ का, तो यहाँ पे आके बहुत पीस मिलता है, इसीलिए आने का मन करते रहता है बार बार यहाँ पे। पहले भी आप आ चुके हैं? हाँ पहले भी आए हैं, ये दूसरी बार आए हैं। से पहले एक बार आए थे तो उस टाइम उतना ज़्यादा इधर दुकान वकान भी नहीं था, ज़्यादा डेवलप भी नहीं था, लेकिन अब पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो गया और अच्छा कर दिया मंदिर को, और मंदिर तो खूबसूरत है ही, प्लस ज़्यादा दूर भी नहीं रहते इसीलिए बीच बीच में आ जाते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पार्किंग का बहुत झमेला है, सही से अगर पार्किंग कर दे और रोड भी सही कर दे तो भी बहुत अच्छा हो गया मंदिर, जो रोज़ आते जाते हैं उन लोग के लिए। आपने बेटा दर्शन किया? हाँ। क्या मांगा भगवान राम से? हम अपना एम, हम बड़े होके डीसी बनेंगे। अच्छा तैयारी करिएगा ना पूरा। हाँ। तो भगवान राम से आशीर्वाद आपने मांग लिया है? हाँ। हाँ, मांग लिए। क्या पापा बताया, पापा का कहना था, पापा का एम है या मम्मी का कि आपको डीसी बनना है? हम अपने मन से बोले, मेरे पापा मम्मी यही बोल रहे कि डीसी बनना, इसीलिए हम भगवान जी से यही मांगे कि हम डीसी बने। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है भक्तों का, ये भक्त बड़ी उम्मीद आशा लेकर रामराज मंदिर परिसर में आते हैं, भगवान राम का आशीर्वाद लेते हैं, भगवान राम के सामने अपनी मनोकामना रखते हैं। इस जगह मनोकामना मंदिर भी है, जहां आप मन्नत मांग सकते हैं अपनी मुराद के लिए, वहां चुंदरी बांध सकते हैं, जब मुराद आपकी पूरी हो जाए तो उस चुंदरी को खोल दिया जाता है। ये कहा जाता है कि जो भी भगवान राम के इस प्रांगण में आते हैं, भगवान राम का आशीर्वाद लेते हैं, उनका जीवन सुखमय हो जाता है, सफल हो जाता है, क्योंकि भगवान राम अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं, उदास नहीं देख सकते हैं। इसलिए जो भी यहाँ भक्त आते हैं
वो उदास मन से भले ही आते हैं, लेकिन जब भगवान राम का दर्शन कर लेते हैं तो वो हंसते हुए बाहर निकलते हैं और अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमारे सहयोगी राजा और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए TV45 न्यूज। नमस्कार। द्रव सुदस रथ अजर बिहार।